16 मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन जो अधिकतर लोगों में आती हैं, उनका उस वक्त एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या करना है, वो उस बुक में है। छोटी बुक है ताकि आपके जेब में रहे। अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में, और जैसा कि यहाँ पे 3 डेज के कैंप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि यहाँ पे 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप, जिसे क्योर एट द रेट 72 आवर्स के नाम से आप जानते हैं, वो कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पर मरीज जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन फिलहाल के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, कभी इस जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप क्या नया प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इस सवाल को लेकर वो कभी भी, चाहे दर्शक हो चाहे कोई मीडिया हो, उसे निराश नहीं करते हैं। तो आज हमारा सवाल यही है कि व्यूअर्स के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या नया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ला रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। और अभी जैसे हम कैंप में मौजूद हैं और पेशेंट्स से तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी का ये खास प्रोग्राम इसलिए है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप नया क्या लेकर आने वाले लोगों के लिए। देखिए, हमारा काम है कुछ ना कुछ नया लोगों तक पहुंचाना, और वो नया लोगों तक जो पहुंचाते हैं वो निर्भर करता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो अभी जुलाई महीने में 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, राइट, और लोकमान्य तिलक जयंती भी है, उसी दिन है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि हर साल हम इस दिन को कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, रिलीज़ करते हैं, कोई नई चीज़, कोई नया रिसर्च लोगों के सामने लाते हैं, लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए। तो नया है ये है कि 23 जुलाई को जी हम एक किताब रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें हमारी टीम काम कर रही है, और इस किताब का नाम है इफ़ यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, राइट। अगर आपके आंखों के सामने कोई हादसा हो गया और आप पहले चश्मदीद हैं, तो आपको क्या करना है उसको बचाने के लिए। तो ये इस पर, ये पॉकेट बुक होगी, राइट। तो ये रिलीज़ करेंगे, ये नया है, और जिस दिन रिलीज़ करेंगे उस दिन आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से हमने किडनी पे काम किया, ब्लड सिस्टम का आविष्कार किया, DIP डाइट का आविष्कार किया, हार्ट पे काम किया, कैंसर पे काम किया। एक चीज़ जिस पे हमने काम अभी तक नहीं किया, या लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है जो हम हॉस्पिटल में तो बताते हैं बट हम अपने फॉलोअर को तक नहीं बता पाए, वो है लंग के इशूज़, अस्थमा है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, टिनिटाइटिस है। तो इस तरह की बीमारियों में जिनको पंप लेना पड़ता है लगातार, सांसें ही रुक जाती है मान लो, तो इस बीमारी में क्या करें, इसके कुछ टेक्निक्स हैं हमारे। ये टेक्निक्स अपने पेशेंट्स पे तो हम पहले से दे रहे हैं, राइट, लेकिन ये टेक्निक्स हम जग जाहिर करना चाहते हैं, ये ओवरऑल लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों को हमारे हॉस्पिटल ना आना पड़े इस टेक्निक के लिए। जिस तरह से आपके माध्यम से ग्रैड सिस्टम लोग समझ गए, तो सारे के सारे पेशेंट यहाँ नहीं आते, वो घर पे ही कर लेते हैं, जिनको यहाँ आना है वो आते भी हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक नया टेक्निक लोगों तक पहुँचाएंगे 23 जुलाई को, और दैट इज़ फॉर द लंग। लंग के लिए जो हमने नया टेक्निक तैयार किया है वो पहुँचाएंगे, नई किताब है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये अपना नया है, 23 जुलाई का वेट कीजिए। व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, देखिए जैसे मैंने नाम बोला, इफ़ यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर आप चश्मदीद हैं, आपकी आँखों के आगे कोई फेंट हो गया, कोई कार्डियक अरेस्ट में आ गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई अस्थमा अटैक हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई ब्लीडिंग हो गई, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई, किसी को चक्कर आ गए, कोई हीट स्ट्रोक हो गया और आपकी आंखों के सामने हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आपकी आंखों के सामने हो गया, वो सामने पड़ा आदमी, अब आप क्या करेंगे? उस वक्त तो कोई ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं होगा, आपका हाथ खाली है, तो कैसे उसकी जान बचाएंगे? ये ट्रेनिंग है, इसका टेक्निक्स, ये एक वीडियो बुक बोल सकते हैं, बुक के अंदर हमने बहुत सारे लिंक्स डाले हैं, QR कोड डाले हैं, जिससे वो बुक पढ़ेंगे और वो QR कोड को जाके वो छोटा सा वीडियो देखेंगे, और 16 मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन जो अधिकतर लोगों में आती है, उनका उस वक्त एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एज ए फर्स्ट चश्मदीद आप विटनेस क्या करना है, वो उस बुक में है। छोटी बुक है ताकि आपके जेब में रहे, कार के डैशबोर्ड में रहे, और हिंदी और इंग्लिश में है इस बार, जैसे लास्ट टाइम लोगों ने ये बोला कि हिंदी में होनी चाहिए, कोई बोलता है इंग्लिश में होनी चाहिए, तो इस बार हमने दोनों में एक साथ रिलीज कर देंगे, और दैट इज़ अबाउट द बुक। ओके, सो लोगों में जो है एक चीज़ ये रहती है कि इमरजेंसी को लेकर भी, जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट अगर आप पर्सन हैं और आपके सामने कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या वो लोग इस तरीके की किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए उस वक्त मतलब प्रिपेयर होंगे
इस किताब को पकड़ ये उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो ट्रेनिंग बुक मान सकते हैं इसको, तो ये डेफिनेटली यही उम्मीद है कि आसान टेक्निक जो इफेक्टिव भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और वो टेक्निक में बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपका प्रेजेंस की जरूरत है और नॉलेज की जरूरत है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए और आपसे लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए 23 जुलाई याद रख लीजिए सब लोग, 12 बजे अपना सारे कार्यक्रम 12 बजे होते हैं, 23 जुलाई दोपहर को 12 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं coronakaal.tv में जाके, राइट, लाइव होगा, आपके चैनल में भी लाइव आएगा, और इसे जुड़िए। और उसी दिन हम हमेशा की तरह अपनी नई किताब का लिंक भी आपको शेयर करेंगे ताकि आप फौरन डाउनलोड कर सकें, उसको समझ सकें, और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक, लंग के टेक्निक भी हम उस दिन ट्रेनिंग देंगे। तो ये डेट लिख लीजिए, टाइम 12 बजे का ध्यान रखिए, मैंने लिंक बता ही दिया आपको, उस पर जाइएगा और आई विल बी लाइव वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल। और कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो दर्शक हैं आपके, जो फैंस हैं आपके, उनके लिए देना चाहेंगे? देखिए मैसेज हमारा हमेशा से यही रहता है कि याद रखिए दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको ठीक कर सकता है, वो है आप खुद, क्योंकि आप ही अपने साथ हमेशा रहते हैं, और जब भी कोई तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ वो बीमारी होती है, वो तकलीफ आप ही झेलते हैं उसको। बिल्कुल। आप झेलते हैं, आपके परिवार वाले झेलते हैं, तो ऐसी सारी नॉलेज जिससे आप अपना डॉक्टर बन सकें, इसको इकट्ठा करते रहना, ये आपका कर्तव्य है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर द पीपल हु आर अराउंड यू। तो अभी तक हमने पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ पर बात की, लाइफ स्टाइल डिजीज़ पर बात की, इन्फेक्शियस डिजीज़ पर बात की, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से हम मेडिकल इमरजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, अचानक कुछ हो जाए तब क्या, कोई हादसा हो जाए तब क्या करें। तो इस श्रृंखला में मेरा तो मैसेज ये है कि आपको ये सारी नॉलेज ना केवल आनी चाहिए, आप पहले सीखिए उस किताब के माने के माध्यम से, और उसके बाद आप लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचाइए। तो मेरा मैसेज है डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज, ताकि हर इंसान अपना डॉक्टर बन सके। क्या पता किस दिन आपको ही ज़रूरत पड़ जाए, भगवान ना करे कि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, खास तौर पे वो दो खुराक लगाने के बाद। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि एक गलती कर ली है वो गलती नहीं होती, अगर आपको पूरी नॉलेज होती कि भाई जो भी कुछ आपके बॉडी में जा रहा है उसका रिपरकशन क्या होगा, राइट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बी योर ओन डॉक्टर। ये हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसपे नॉलेज हर एक को होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और आखिर नया क्या, जो दर्शकों का सवाल भी होता है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कभी इस चीज़ से चूकते नहीं हैं कि वो हमारे सामने या अपने दर्शकों के सामने कुछ नया लेकर आएँ। तो जो नया है वो तो आपको जानकारी मिली, और साथ ही अब 23 जुलाई को जो है इंतज़ार रहेगा, लाइव होगा, तो उस पर आप ज़रूर जुड़िएगा, और जो भी जानकारी है उसे आप प्राप्त करने के बाद कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तब तक के लिए आप नाशा खबर के साथ बने रहिए।